नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पांचवें आरोपी को भी हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जॉनी वाल्मीकि है और इससे पहले पुलिस ने अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सलमान की हत्या की साजिश में नया पर्दाफाश। लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम। 70 गुर्गों ने रखी थी सलमान खान पर नजर। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने बाइक पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लोगों को लगा कि सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पकड़े गए, लेकिन 1.5 महीने बाद चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। क्या है पूरी कहानी? आखिर सलमान खान की जान के दुश्मन कौन है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जहन में दो नाम याद रखिए, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक इन दोनों गैंग के 60 से 70 गुर्गे सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए थे। इस गैंग के गुर्गे मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आए थे और लगातार सलमान खान पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक टीम मुंबई जबकि दूसरी टीम नवी मुंबई में काम कर रही थी और ये पर्दाफाश हुआ सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। एक दिन पहले पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा था जो पनवेल के अलग अलग इलाके में रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी गिरफ्तार हुए आरोपी और 14 अप्रैल को जो शूटर गिरफ्तार हुए थे उनके बीच कोई संबंध नहीं है। दो अलग अलग टीम सलमान खान की जान की दुश्मन बनी हुई थी और दोनों टीम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो चार आरोपी हैं इनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने कई ग्रुप बनाए। इस गैंग के गुर्गों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की। इस गैंग के शूटर गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी से भी संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि उनके पास सलमान की हत्या की साजिश के पुख्ता सबूत है। जो गुर्गे इस गैंग से जुड़े थे उन्हें अजय कश्यप नाम का आरोपी कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस ने पनवेल से जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें अजय कश्यप भी गिरफ्तार हुआ है। हत्या की साजिश में पाकिस्तान का भी एंगल सामने आया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी पहल हो रही है। आज रायपुर और जगदलपुर में एक संवाद कार्यक्रम में लोकतंत्र